Everyone, welcome back to the new video. तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर IISc Bangalore के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और एकदम टॉप का अगर इंस्टीट्यूट की बात करें BSc MSc के लिए तो यही होने वाला है IISc Bangalore। अगर हम BSc की बात करें तो यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है JEE से, JEE मेन से, JEE एडवांस से और नीट के एग्जाम से, और अब तो थोड़ा एक और इंक्लूडेड हो गया आइजर एप्टीट्यूड का टेस्ट, जिसे तुम BSc में एडमिशन ले सकते हो, या फिर अगर तुम ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हो, BSc कर रहे हो, तो अपने छोटे भाई बहनों को बता सकते हो कि इसकी प्रिपरेशन करके तुम IISc में भी जा सकते हो। और IISc को कोई इंट्रोडक्शन की वैसे तो जरूरत नहीं है, बट आज मैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला, थोड़ी डार्क साइड की भी बात करेंगे, क्योंकि सब अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन जो जिस चीज पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए वो भी आज मैं तुम्हें बताऊंगा, कहीं और देखने को नहीं मिलने वाली है वो चीज। काफी सारे मैंने बात की है, तब सोचा कि एक स्टूडेंट से बात कर रहा था तो मैंने सोचा यार इसमें वीडियो तो बनती है, इस डिस्कशन पे वीडियो बनती है। सो हियर इट इज, हम यहां पे आ चुके हैं। पहले मैंने तुम्हें बताया BSc में क्या क्या एडमिशन, BSc में एडमिशन ले सकते हो, रास्ता मैंने तुम्हें बता दिया। BSc में फिजिक्स में एडमिशन ले सकते हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मटीरियल साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम MSc की बात करें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी BSc कर रहे हैं वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा अगर तुम इंटीग्रेटेड PhD करना चाहते हो तो भैया सबसे ज्यादा बढ़िया एकदम सुंदर सुशील चीज यही है IISc Bangalore। अगर तुम टॉप रैंक ला सकते हो एग्जाम्स लाइक JAM, मान लो तुमने JAM मैथमेटिक्स दिया या मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स दिया, दोनों वैलिड है तुम्हारे लिए, दोनों में से कोई भी एक क्रैक कर लो और टॉप का रैंक आना चाहिए यहां पहुंचने के लिए, और JAM क्रैक हो सकता है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने किया तो अब मैं बोल सकता हूं कि JAM क्रैक हो सकता है, ठीक है, इसी चैनल से किया, वीडियोस भी पड़ी हैं, और अगर तुम्हें कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, सारी डिटेल्स तुम्हें वहां पर मिल जाएंगी, जस्ट अ प्रमोशन इन द वीडियो। तो देखो अब कोई प्रमोशनल, कोई अलग से प्रोडक्ट का प्रमोशन तो कर नहीं रहे तो खुद ही कर देते। बट अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं, तुम JAM से इसमें एडमिशन ले सकते हो, गेट स्कोर वैलिड है क्योंकि BSc वाले अब गेट का एग्जाम दे सकते हैं, तो काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है कि भैया गेट एग्जाम देके हमें एमटेक नहीं करनी तो और क्या मिल सकता है, तुम्हें IISc मिल सकती है, ठीक है। अगर तुम गेट एग्जाम देखो तो वहां पे पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर उसके हिसाब से तुम कॉम्पिटिशन देखो तो कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है रिलेटिवली, ठीक है। अगर तुम जाके पूरा डेटा को एनालिसिस करोगे तो अगर मैं सिलेबस के हिसाब से देखूं कॉम्पिटिशन तो कम है गेट में, ठीक है, पेपर बहुत अच्छे लेवल का आता, बट कर सकते हैं, इम्पॉसिबल थोड़ी है। फिर तुम NBHM का अगर तुम एग्जाम देते हो तो उससे भी मिल सकता है तुम्हें, तो ये सारे रास्ते होते हैं। IIT JAM में अगर तुमने टॉप रैंक ले आए हो तो तुम्हें IISc मिल सकती है, और इसके बारे में और डिटेल में अगर तुम्हें जानना है तो थोड़ी सी और चीजें बता देता हूं। अगर तुम हॉस्टल फैसिलिटी की बात करोगे टॉप नोच, अगर तुम मुझसे आसपास की जगह की बात करोगे टॉप नोच, फेस्ट की बात करोगे बहुत गजब, और इसके बाद हमारे पास आता है कि यहाँ पे पैकेज वगैरह का कैसा रहता है। देखो यहाँ पे ना BTech भी अवेलेबल है, ठीक है, BTech एक ब्रांच, एक ही है इसमें ब्रांच, जो कि है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो कि पर्सनल फेवरेट है थोड़ी सी। मैं अभी जस्ट एक रीसेंट वीडियो बनाई थी जस्ट इससे पहले, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा या अभी स्क्रीन पे आ जाएगी जब एंड होगी वीडियो। तो मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको प्लेसमेंट के लिए वर्क पढ़ना होता है कि MSc के बाद प्लेसमेंट लग जाए, तो दी बेस्ट कोर्स दो होते हैं, एक होता है डेटा साइंस और एक होता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इसके बाद तो जो बहुत अच्छे से लगी जाती है इन कैंपस भी ऑफ कैंपस भी। और अगर मैं तुम्हें पैकेज की बात बताऊं तो इसका अराउंड 85 LPA गया था, और मीडियन पैकेज की बात करें तो 28 पैकेज गया था ओवरऑल, तो ये है हमारे पास। और MSc से अगर MSc करते हो इंटीग्रेटेड PhD कर लेते हो फिर तो लगी जाएगी हमारी जॉब, ठीक है। कंपनीज की अगर बात करें लगभग हर एक कंपनी, जितनी भी टॉप की कंपनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी नेम लोगे टॉप कंपनी का, सारी यहां पे आती हैं। सो ये सारी डिटेल थी जो मुझे बतानी थी तुम्हें, और भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बट इसका थोड़ा सा डार्क साइड की बात करते हैं, बहुत 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 अच्छी रिसर्च है नो डाउट, रिसर्च में इसकी टक्कर एक ही दे सकता है वो है आइजर्स, ठीक है, मतलब आइजर्स से थोड़ा सा ऊपर है बट टक्कर देने में वो भी इसको है। इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आइजर्स पे, आइजर भी अगर तुम आइजर मोहाली है वगैरह वगैरह पता होगा ना उसके नाम, उसमें मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, यहां नहीं लेते वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। बट रिसर्च जितनी अच्छी है थोड़ा सा प्रेशर भी उतना ज्यादा होता है यहाँ पे, और हमने लॉकडाउन के समय में देखा था, पिछले कुछ ईयर्स की बात करूं तो यहाँ पे सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है। मैं डरा नहीं रहा हूं तुम्हें, तब ज्यादा था, अब बहुत कम क्या, अब तो मतलब अब नहीं है वो, पहले था बहुत ज्यादा।
बट ये भी एक चीज थी, ये भी एक एस्पेक्ट है जिसे जानना जरूरी है कि थोड़ा सा जैसे हम इतने बड़े कंपटीशन में जाते हैं तो उसके साथ एक प्रेशर भी आता है, वो प्रेशर को कोई पॉजिटिवली लेता है, कोई नेगेटिवली ले लेता है। तो इन सारी चीजों को प्रिपेयर करके जाएंगे। बट अगर तुम मुझसे ओवरऑल पूछो कि यहां पर जाना चाहिए नहीं, तो मेरे ख्याल से विदाउट सेकेंड थॉट जाना चाहिए और अपने आप को प्रिपेयर करके जाना चाहिए। कुछ होते हैं ना यार कि बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं छोटी छोटी सी बातों पर, तो वो हर जगह पे होते हैं, है ना। तो अगर ये सारी चीजों को हम साइड पर रख दें, अगर हमारे में विल पावर अच्छी है हमारी और हम चाहते हैं कि यार मुझे तो रिसर्च करनी है, मुझे इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, बेस्ट। मतलब आईएससी बैंगलोर यार नेम नहीं, एक ब्रांड है, ब्रांड। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं इसका, जस्ट एक तुम्हें बता रहा हूं कि बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर तुम्हें लेते हो और यहां से रिसर्च के लिए जाते हो, तो मेरे ख्याल से आगे का फ्यूचर हमारा ब्राइट ही होगा, ठीक है। अनलेस एंटिल अगर तुम्हें अपना कोई स्टार्ट नहीं, साइड असल नहीं करना, अगर तुम्हें कोई अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट नहीं करना, तुम रिसर्च में ही जाना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट। इसके टक्कर में आते हैं आइजर्स, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाना चाहूंगा, बट ये था। अगर मुझसे कुछ रह गया हो तो मुझे जरूर बता सकते हो, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर लेता हूं। तुम्हें यहां पर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से दो या मैथमेटिक्स से दो, दोनों में दोनों से ही एडमिशन मिल जाता है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक ले बाय बाय।